नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंदू वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। मॉनसून के समय में गुरुग्राम के क्या हालात रहते हैं वो तो किसी से भी नहीं छुपे हैं, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि मॉनसून में जो लोगों को दिक्कतें आती हैं उसको देखते हुए आज गुरुग्राम के एनसीजी कमिश्नर दल बल के साथ गुरुग्राम के अलग अलग जगहों पर पहुंचे निरीक्षण करने के लिए। आपको बता दें, जिन जगहों पर जल भराव जैसी स्थिति उत्पन्न होती है वहां का जायजा किया गया एनसीजी कमिश्नर द्वारा। वहीं अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए कि ड्रेनेज सिस्टम वो वाटर पंपिंग सिस्टम को जल्द दुरुस्त किया जाए। वहीं आपको बता दें, कमिश्नर द्वारा अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का निदान किया जाए। अब ऐसे में देखना ये होगा कि एनसीजी कमिश्नर द्वारा ये जो दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं उन पर कितने तुरंत प्रभाव से कार्य शुरू होता है। पॉकेट्स हैं जिसमें ट्रेडिशनली रहता है भराव की समस्या, वहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएँ रहेंगी जीएमडी की ओर से, कॉरपोरेशन की ओर से, ताकि जनता को असुविधा ना हो, उन चीज़ों का मैं जायजा लेने आया हूँ। निगम के जो इंजीनियर्स हैं, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स और एक्शंस, ये भी मेरे साथ हैं। तो ठीक है, काम ठीक चल रहा है। जहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं वहाँ हम जो वैकल्पिक व्यवस्था है वो कर रहे हैं, चाहे पंपिंग के जरिए हो या टेम्परेरी हमें कच्ची ड्रेन भी खोद के निकालना पड़े, या कई बार सीवर की भी हेल्प लेनी पड़ती है, सीवरेज लाइंस की, वो भी हम लेंगे, पर समस्या से लोगों को असुविधा ना हो ये प्रयास। दावा नहीं कर रहा, मैं काम कर रहा हूँ। धन्यवाद। ऐसी ही तमाम न्यूज सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और इस खबर पे आपके क्या विचार है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।